और अब खबर इंदौर से है। मध्य प्रदेश में सरकार की नई शराब नीति का जमकर विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर के बिचौली मर्दाना के रहवासी नई शराब दुकान खुलने के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इसमें कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी उनका साथ दिया। दुकान हटवाने के लिए क्रेन लेकर वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए उन पर प्रदेश के बच्चों को नशेड़ी बनाने का आरोप लगा दिया। दरअसल बिचौली मर्दाना में आवंटित हुई नई शराब की दुकान एक निजी स्कूल के ठीक सामने है और ऐसे में शराब दुकान का बच्चों पर गलत असर ना हो इसलिए लोग यहाँ दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं। पटवारी ने कहा कि शराब दुकान को बंद कराने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी आए हैं। शराब की दुकान को दूसरी जगह पे स्थान दिया जाए और यहां से हटा दिया जाए। पटवारी ने कहा कि बात प्रदेश के बच्चों को नशेड़ी बनाने की है, इसके साथ ही शराब को सस्ती करके मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की भी है। पूर्व मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण में भाव में उनके चेहरे की विनम्रता और उनके अंदर के विचार में अंतर है। उनके विचारों में क्रूरता दिखती है। बेटे और भांजे भांजियों की उन्नति की बात करने वाला मामा उन्हें नशेड़ी बनाना चाहता है, ये उनकी नीतियों से पता चलता है। वहीं पटवारी ने यह भी कहा कि ये क्रेन सांकेतिक है, जनता में इतना रोष है कि ये खुद दुकान हटाना चाहती है और कानून हाथ में लेना चाहती है। पटवारी ने कहा कि आज गुड़ी पड़वा है जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष है। आज पहली दुकान हटी है, जहां जनता पुकारेगी हम संख लेकर पहुंच जाएंगे और दुकानें भी हटाएंगे। पटवारी ने कहा कि उमा भारती ने शराब नीति को लेकर कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर शर्म आती है। उमा भारती की बात बिल्कुल सही है। मैं बच्चों को नशेड़ी बनाने की है, शराब को सस्ती करके मदिरा प्रदेश बनाने की है। शिवराज सिंह चौहान के भाषण में, भाव में, उनके चेहरे की विनम्रता में और उनके अंदर के विचार में अंतर है, क्रूरता दिखती है विचारों में कि बेटे और भांजे भांजियों की तरक्की की उन्नति की बात करने वाला मामा उनको नशेड़ी बनाना चाहता है, उनकी नीतियों से पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लोगों में से एक है उमा भारती। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की नीतियों पर उन पर मुझे शर्म आती है, इससे तो एहसास होना चाहिए कि मेरी गलतियां हो रही है। शिवराज जी हमारी बात नहीं, उमा जी की बात तो मानो।